हेलो प्यारे वर्ष, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिस यूज़र हैज़ नॉट पब्लिश्ड एनी वीडियोस। तो प्यारे वर्ष, आज का हमारा टॉपिक ये है। तो प्यारे वर्ष, हम बात करने वाले हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस यूज़र ने जो है कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं की हुई टिकटॉक पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 0 लाइक है, तो वाकई में इसने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं की। क्योंकि इसका 0 लाइक है तो वाकई में इसने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं की हुई होगी, जिस वजह से हमें ये पॉपअप शो हो रहा है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लाइक्स, देखें इसके लाइक्स तकरीबन 4,15,000 लाइक्स हैं और नीचे लिखा हुआ है दिस यूज़र हैज़ नॉट पब्लिश एनी वीडियो। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदे के 4 लाख से अबव जो है वो लाइक्स हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने कोई भी वीडियो पब्लिश नहीं की हुई। तो लाइक किस चीज़ पे है? तो कुछ ऐसे भी होता है कि कोई यूट्यूब से या किसी और जगह से अपनी वीडियोस को या किसी की वीडियोस को उठा के टिकटॉक पर डाल देते हैं और वो लाइक्स हासिल करने के बाद उन वीडियोस को जो है डिलीट कर देते हैं। तो उस वक्त भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है आप लोगों को। तो अगर उसने यूट्यूब से भी वीडियोस नहीं उठाई, उसकी अपनी वीडियोस हैं, उसके अकाउंट पर मौजूद हैं, लेकिन जब आप ओपन करते हैं तो आपको ये शो होता है कि उसके अकाउंट पर कोई वीडियो नहीं है, यानी दिस यूज़र हैज़ नॉट पब्लिश एनी वीडियो। तो ये किस लिए होता है? ये अक्सर इसलिए होता है कि जब वो बंदा अपनी प्राइवेसी की सेटिंग करता है तो अपने कंट्री रीजन को इस तरह सेट करता है कि उस वो किसी भी मुल्क को सेट कर सकता है कि इस मुल्क में मेरी वीडियोज़ को ना देखा जाए। यानी वो आपके मुल्क को भी रख सकता है कि इस मुल्क में मेरी वीडियोस ना देखी जाएं, मेरी वीडियो कोई भी ना देख पाए। यानी अगर आप पाकिस्तान से हैं तो इस बंदे ने अगर इस तरह की अपनी प्राइवेसी सेटिंग की हुई है कि पाकिस्तान में मेरी वीडियोस ना देखी जाएं, तो पाकिस्तान में आपको इस तरह का पॉपअप शो होगा। अगर आप इंडिया से हैं और उस बंदे ने इस तरह की सेटिंग की हुई है कि इंडिया में मेरी वीडियोज़ को ना देखा जाए, तो फिर भी आपको इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा। तो अगर तो उसकी प्राइवेसी सेटिंग ऐसे है तो उसको आप फिक्स कर सकते हैं। वो कैसे? उस बंदे का जो कंट्री रीजन है, आप अपना कंट्री रीजन जो है उसकी तरह सेट कीजिए। यानी अगर वो यूएसए से है तो आप भी यूएसए वाला कंट्री रीजन सेट कीजिए, जिससे क्या होगा, आपको उसकी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। ओके प्यारे व्यूअर्स, यानी इसका हाल सिर्फ यही है कि अगर कंट्री रीजन की वजह से है ये पॉपअप, तो आप फिक्स कर सकते हैं। वो भी इसी तरह कर सकते हैं कि जो कंट्री रीजन उसका है आप वो रखें कि प्यारे व्यूअर्स, तो आप जो है उसकी वीडियोस को देख सकते हैं, वरना आप किसी भी तरीके से उसकी वीडियोस को नहीं देख सकते, तो ये पॉपअप शो होता रहेगा। ओके प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।